दिल्ली में घातक साजुछि वायु प्रदूषण सर्वेक्षण सामना को आसी सांघातिक तथ्य राजधानी 69% अधिक परिवार लोके प्रदूषित जनित रोग रे पीड़ित थिबा रिपोर्ट प्रकाश पाई। दिल्ली एनसीआर अंचल में 69% परिवार गला जंत्रणा काश भली प्रदूषण जनित रोग रे पीड़ित। यह सहित दिल्ली विभिन्न हस्पिटाल श्वास रोगी संख्या वृद्धि पाइबार लगी। मॉनिटरिंग होता राजधानी 40 स्थान मध्य अधिकांश स्थान में एक्वाई 400 पखापाखि रही। आनंद विहार आरकेपुरम अंचल में एक्वाई 395 400 मध्य रही। से पंजाब बाग नॉर्थ कैंपस सोनिया विहार बावाना जहांगीरपुर रोहिणी अशोकनगर अंचल में भी 380 अधिक एक्वाई रेकर्ड होती। गतकाल अपेक्षा प्रदूषण सामान्य ह्रास पाई। दीपावली पर विश्वर सबुठारु प्रदूषित शहर होउछि राजधानी दिल्ली। एपटे प्रदूषण नियंत्रण पर दिल्ली में स्मॉग गन योजना को नहीं दिल्ली सरकार को तीव्र समालोचना करिसेंति बीजेपी नेता मनोज तिवारी। केवल निर्वाचन आसिले दिल्ली सरकार को स्मॉग गन कथा मन पड़े बोली से कहिसंती। दिल्ली सरकार को भूल नीति और प्रदूषण नियंत्रण को नहीं भूल निष्पत्ति नहीं राजधानीवासी ठिकना हस्पिटाल बेड होगा जाऊँगी मनोज तिवारी। ये आम आदमी पार्टी के स्मॉग गन तभी शुरू होते हैं जब चुनाव आता है सामने। 5 साल से इनकी सरकार है, स्मोक गन की जरूरत ही क्यों पड़ती अगर इस पोल्यूशन को डील किया गया होता। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को पोल्यूशन के मामले में इतना जहरीला बना दिया है कि इनको जितनी भी सजा मिले कम होगी। अगर हम प्रदूषण देखें, इंडो गंगेटिक बेल्ट जिसमें हम चंडीगढ़ से लेके फिर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इन सारे रीजन में देखें तो पोल्यूशन जो है वो आप कह सकते हैं कि पुअर टू वेरी सीवियर कैटेगरी के बीच रेंज की है। इसका मुख्य कारण अगर हम देखें तो वो मुख्य रूप से पराली का जहां जलना है, हमारी व्हीकुलर एक्टिविटी का जो बढ़ना है और आप कह सकते हैं कि जो अदर पोल्यूटेंट हैं यानी कि सेकेंडरी एरोसोल फॉर्मेशन, इन सब ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।